महिलाएं अकेले निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। जिस प्रदेश में नौकरियों में भेदभाव होता हो, नौकरियां बेची जाती हैं, जिस प्रदेश में अधिकारियों का तबादला इस आधार पर किया जाता हो कि कौन सा अधिकारी बेईमानी से काम कर सकता है, उस प्रदेश में काम नहीं कारनामा ही बोलता है। और रही बात मेट्रो, मेट्रो को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें गलत क्या, आप बताइए मेट्रो को लेकर कितना प्रचार किया गया। सैफई परिवार उसमें घुमा भी, खूब गाजे बाजे के साथ हुआ कि मेट्रो चल पड़ी है, देश के लोगों ने जाना कि मेट्रो चल पड़ी है। आप देखिए जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मेट्रो कहाँ चल रही है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? लोगों ने मेट्रो तो चल ही रही है, ट्रायल हो रहा है, आप कुछ समझ नहीं लीजिए। आपने सफर किया किसी ने मेट्रो में? नहीं, हुकूमत यानी समाजवादी पार्टी को। अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या ये काम वर्सेज कारनामा की ये जो लड़ाई है, ये आने वाले वक्त में और तेज होगी? जैसे जैसे इलेक्शन अपने शबाब पर आएगा, जैसे जैसे चूंकि पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है और अब जैसे जैसे बाकी के जो चरण होंगे, तो इस तरह के जो हमले हैं और इस तरह के काम को गिराने वाली चीजें, जो अखिलेश यादव का जो विकास का मुद्दा है, जो काम बोलता है मुद्दा है उनका, उस मुद्दे के जवाब में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा आक्रामक होगी और ये लड़ाई और ज्यादा अभी बढ़कर सामने आएगी।